दो वर्ष पूर्ण हो गए हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर के श्री महाकाल लोक को, और आज हम दो वर्ष बाद फिर आए हैं। तो आज चलते हैं श्री महाकाल लोक के अंदर और जानते हैं कि दो वर्ष बाद श्री महाकाल लोक मंदिर कैसा है, श्री महाकाल लोक कैसा है और दो साल में क्या क्या यहाँ पर विकास हुआ है। श्री महाकाल, दो वर्ष पूर्ण हो गए हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर के श्री महाकाल लोक को, और आज हम दो वर्ष बाद फिर आए हैं। तो आज चलते हैं श्री महाकाल लोक के अंदर और जानते हैं कि दो वर्ष बाद श्री महाकाल लोक मंदिर कैसा है, श्री महाकाल लोक कैसा है और दो साल में क्या क्या यहाँ पर विकास हुआ है, वो सब चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कर दो लाइक। श्री महाकाल लोक के मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं पीछे मुख्य द्वार। चलते हैं श्री महाकाल लोक के अंदर और समझते हैं 11 अक्टूबर 2022 को श्री महाकाल लोक का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था और आज दो वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो दो वर्ष बाद समझते हैं अंदर क्या क्या विकास हुआ है। आप पीछे हमारे देख पा रहे हैं श्री महाकाल लोक आने का मुख्य रास्ता और हम मेन गेट पर अभी खड़े हुए हैं और यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से ही मंदिर, आपकी अब मंदिर जाने की एंट्री भी यहीं से है। तो चलते हैं श्री महाकाल लोक के अंदर और समझते हैं अंदर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ। आज भीड़ यहाँ पर कम दिख रही है। जय श्री महाकाल। ये जो सामने से रास्ता आ रहा है ये मुख्य मार्ग है श्री महाकाल लोक आने के लिए। ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है जो कि इंदौर और उज्जैन रोड को जोड़ता है। सामने रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे स्टेशन की दूरी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आज ना जाने क्यों भीड़ इतनी कम है। वैसे हमेशा यहाँ पर भीड़, श्रद्धालुओं की संख्या, बाबा भोलेनाथ के भक्तों की संख्या हमेशा फुल भरा रहता है, खचाखच रहता है और आज यहाँ पर हमें खाली दिख रहा है। दो वर्ष पूर्ण हुए हैं श्री महाकाल लोक के। आज 11 अक्टूबर 2022 को श्री महाकाल लोक का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। आपको हम दिखा सकते हैं यहाँ पर जो उद्घाटन जब हुआ था, जब लोकार्पण हुआ था तो पत्थर लगा हुआ है। ये है श्री महाकाल लोक जब उद्घाटन हुआ था, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 11 अक्टूबर 2022 उज्जैन मध्य प्रदेश। श्रीमान शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण किया गया था प्रथम चरण का। और ये बना है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार पर श्री गणेश भगवान की अद्भुत प्रतिमा और उसके बाद ये एंट्रेंस जो चलते हैं अंदर। धीरे धीरे हम लोग अंदर जाएंगे और आपको श्री महाकाल लोक के दर्शन अंदर से भी कराएंगे। देख सकते हैं आप अभी अभी शाम, सूर्यास्त हो रहा है और धीरे धीरे लाइटों का, यहाँ की लाइटिंग का जलना शुरू हो रहा है। अद्भुत नज़ारा है श्री महाकाल लोक के अंदर। देख सकते हैं आप हरियाली। दो वर्ष के बाद जब हम दो वर्ष पहले यहाँ का वीडियो बनाया था, इतनी ना हरियाली थी, पेड़ भी छोटे छोटे थे और ये पैरेलल स्तंभ बनाए गए हैं। लाइट जलने के बाद यहाँ का मनमोहक दृश्य अद्भुत है, अकल्पनीय है। श्री महाकाल लोक के अंदर एक बार कोड भी लगाए गए हैं, आप इनको स्कैन करके यहाँ की जानकारी ले सकते हैं। और ये मुख्य द्वार, अब हम मुख्य द्वार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो चलते हैं आगे की ओर। और आप ये देख सकते हैं सामने बहुत ऊंची एक दीवार बनाई गई है जो कि श्री महाकालेश्वर मंदिर तक बनाई गई है। यहाँ से श्री महाकालेश्वर मंदिर लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है और अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। ये भगवान श्री महाकाल का महामृत्युंजय मंत्र सदैव यहाँ चलता रहता है, उसकी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। देख सकते हैं आप चारों ओर शेर,
कमल के पुष्प और शानदार फव्वारे, और सामने बाबा भोलेनाथ बिल्कुल अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। कमल सरोवर इसका नाम दिया गया है श्री महाकाल लोक में। यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कमल सरोवर। श्री महाकाल लोक के अंदर जैसे ही आप अंदर आते हैं, सबसे पहले कमल सरोवर बना हुआ है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ का। बाबा श्री महाकाल भोलेनाथ विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम जब गेट से अंदर आए हैं तो गेट पर लाइट नहीं जल रही थी, और अब लाइट जला दी गई है। कमल सरोवर से आ जाते हैं, जहाँ पर सात ऋषियों की, सप्त ऋषियों की ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं। बड़ा आज से एक वर्ष पूर्व यहाँ पर तूफान आया था, बारिश हुई थी, तो जिससे मूर्तियाँ गिर गई थी, खंडित हो गई थी। वापस से मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्री महाकाल लोक निर्माण समिति द्वारा इनको द्वारा से लगाया गया है। सप्त ऋषि यहाँ पर विराजमान है, देख सकते हैं आप। सातों ऋषियों की अद्भुत अकल्पनीय यहाँ पर प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और लाइट यहाँ पर जला दी गई है, जिससे और ही मनमोहक खूबसूरत नज़ारे श्री महाकाल लोक के आप देख सकते हैं। ये दूसरी मूर्ति, वहाँ से हम लोग अंदर आए हैं सामने से कमल सरोवर के बाद। अब सप्त ऋषि यहाँ पर विराजमान हैं, उनकी कुटिया यहाँ पर एक कुटियों का रूप दिया गया है। मुनि देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरी जानकारी अपडेटेड है। महर्षि वशिष्ठ, वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ सिद्धांत आदि ग्रंथों के कर्ता, योग वशिष्ठ के वक्ता, सूर्यवंश के पुरोहित, ऋग्वेद के सातवें मंडल के अधिपति एवं सत्रादि विद्या के ज्ञाता थे। महर्षि वरिष्ठ का पूरा वर्णन, उनकी अद्भुत अकल्पनीय प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। महर्षि जमदग्री, उनकी भी ये अद्भुत प्रतिमा। और अभी प्रथम चरण ही अपडेट हुआ है श्री महाकाल लोक का। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मंदिर सामने है, मंदिर यहाँ से काफ़ी दूर है। और ये सामने आप देख सकते हैं झील बना दी गई है, बढ़िया पानी भरा हुआ है श्री महाकाल लोक में। एक बात तो देखने को मिल रही है, दो साल बाद भी हरियाली तो बढ़ी गई है, क्योंकि पेड़ तो धीरे धीरे बड़े होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई का और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। हम जब दो वर्ष पूर्व आए थे यहाँ पर, जब इसका लोकार्पण हुआ था, तो उसके बाद बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नया नया था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, श्रद्धालु आ भी बहुत रहे थे, अभी भी श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं, लेकिन नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इसलिए श्रद्धालुओं की कमी थोड़ी देखी जा रही है। और आज खाली भी है श्री महाकाल लोक, आज खाली भी है श्री महाकाल लोक। सामने भारत माता मंदिर और श्री महाकालेश्वर मंदिर का द्वार, यहाँ पर भी ये भगवान गणेश जी विराजमान हैं। तो दो वर्षों बाद एक ही चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है कि सफाई बहुत अच्छी है, पेड़ों को मेंटेन किया गया है, हरियाली बिल्कुल मेंटेन की गई है, वो सामने दिख रही है, आप देख सकते हैं।
और यहाँ पर सारी जानकारी उपलब्ध है। सुरक्षा गार्ड नियमित तौर पर अपना काम कर रहे हैं। दुर्लभ दर्शन केंद्र भी श्री महाकाल लोक में है और यहाँ पर एक प्रतिमा लगाई गई है बड़ी सी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लगा है, महाकाल पथ, ई व्हीकल, ई रिक्शा स्थल, त्रिवेणी मंडपम है सामने, और भगवान श्री गणेश जी की प्रथम पूज्य देवता मुख्य द्वार पर भी देखने को मिले, और भगवान श्री गणेश जी महाकाल लोक के अंदर भी विराजमान हैं। इस सामने जो दर्शाया गया है, ये त्रिपुरासुर संहार, भगवान भोले बाबा ने त्रिपुरासुर का संहार किया था, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है और उसका सारा वर्णन यहाँ पर दिया भी गया है। भगवान श्री महादेव पुत्र भगवान कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध करने के बाद उसके पुत्रों ने देवताओं से प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। उनके तीन पुत्रों को संयुक्त रूप से त्रिपुरासुर कहा जाता था। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान के रूप में मांगा कि अत्यंत दुर्लभ स्थिति में एक असंभव रथ पर आरूढ़ होकर ही उन्हें मारा जा सके। प्रदत्त वरदान के अनुसार उन्हें तीन पुरियां अर्थात तीन नगर प्रदान किए गए, जिनके स्वामी होकर तरह तरह के देवताओं को सताने लगे। तब भगवान शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। तदुपरांत उनके लिए विशेष रथ धनुष अमोक बाण का निर्माण किया गया। सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने। ब्रह्मा सारथी मेरु पर्वत धनुष और सतराज वाष्पी के धनुष की उन्होंने उनके बाण में विष्णु जी, वायुदेव, अग्निदेव और यमदेव समाहित थे। इस धूवर कार्य हेतु उज्जैन का चयन किया गया। महादेव ने उस विशेष रथ पर सवार होकर तीनों पुरियों सहित अन्य असुरों का नाश किया। इस तरह त्रिपुरासुर संहार कहलाया और त्रिपुरासुर संहार का स्थान बना उज्जैन। बाबा महाकाल की नगरी वैसे ही फेमस है। तो यहाँ पर एक गार्डन भी डेवलप हो गया है। अब चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पर लड्डू प्रसाद का काउंटर भी है महाकाल लोक के अंदर, और दुर्लभ दर्शन केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु दुर्लभ दर्शन केंद्र के दर्शन कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। ए भैया, दुर्लभ दर्शन केंद्र, और भैया बताएंगे जानकारी। जी भैया, सर बस मार दिखा रहे हैं वर्चुअल में बाबा महाकाल की, जो 360 व्यू में होती है जी। आप जब गर्दन घुमा के देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ जैसे आप बाबा महाकाल के गर्भगृह में खड़े होकर बाबा महाकाल की मॉर्निंग की बस मार के अटेंड कर रहे हो। जी भैया, 150 का चार्ज है, पूरा 9 मिनट का डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, जय श्री महाकाल भैया, जय श्री महाकाल। तो भैया यहाँ पे दर्शन की व्यवस्था है, टिकट काउंटर है, और पहले दुर्लभ दर्शन करें। यहाँ पर प्रशासन द्वारा लगाया गया है। भैया का बताना है कि भस्म आरती जो होती है, आप गर्भगृह जैसा अनुभव करेंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। श्री महाकाल लोक में इसका अद्भुत इंतजाम हमने तो नहीं किए, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो आप भस्म आरती का आनंद अगर अंदर से नहीं ले पा रहे हैं तो दुर्लभ दर्शन का जो केंद्र बना हुआ है आप वहां से कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार मंत्र उच्चारण हो रहा है महामृत्युंजय मंत्र का, ये अद्भुत अकल्पनीय है। इतना अद्भुत मंदिर, बाबा महाकाल की कृपा हम सब पर बनी रहे, और भगवान के आशीर्वाद से, भगवान महाकाल की कृपा से अब सब कुछ बढ़िया है। बाबा भोलेनाथ का अद्भुत श्री महाकाल लोक आप देख सकते हैं। अब लाइट जल गई है तो लाइट में नज़ारा ही कुछ अलग है। ये देखिए भैया, यहाँ पर ये लगा है प्रतिमा, बाबा महाकाल लगे हैं। भोले बाबा द्वारा, शिव द्वारा, भगवान शिव शंकर द्वारा यम का संहार यहाँ पर दर्शाया गया है महाकाल लोक में। ऐसा लग रहा है कि बाबा साक्षात प्रकट हो गए हैं और यम का संहार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जहाँ से अभी हम सामने से आए हैं, और ये नज़ारा, लाइटिंग का अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर, जो कि एक अद्भुत है अपने आप में। अद्भुत नज़ारा है इस समय महाकाल लोक का।
हम श्री महाकाल लोक में हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे से अभी हम आए हैं, यह है श्री महाकाल लोक का द्वार। उसके बाद हमने देखा कमल सरोवर जहाँ पर बाबा भोलेनाथ विराजमान है, उसके बाद हमने देखा है सप्त ऋषियों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और उसके बाद भस्मासुर का वध जो किया गया है बाबा महाकाल के द्वारा वो है, और ये सरोवर बना हुआ है। अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ के, इस समय लाइट जला दी गई है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। आप भी अगर उज्जैन आ रहे हैं तो उज्जैन से रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर श्री महाकाल लोक और श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। आप किसी की बातों में गुमराह ना हो, मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से, बस स्टैंड से भी, और इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर एयरपोर्ट आप आ रहे हैं तो 60 किलोमीटर में, इंदौर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो इंदौर से 50 से 55 किलोमीटर आराम से। इंदौर से बसें, शेयर टैक्सी और सारी व्यवस्थाएँ मिल जाती हैं। जय श्री महाकाल। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अब चलते हैं, आगे के दर्शन भी करते हैं श्री महाकाल लोक के, फिर आपको बाबा भोलेनाथ के दिव्य दर्शन भी हम कराएंगे। श्री काल भैरव जी की ये प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, श्री काल भैरव, श्री महाकाल लोक, अद्भुत है भैया। आप आ रहे हो तो अवश्य आओ, इतनी अद्भुत जगह, आपको ऐसा लगेगा कि आप बाकी में स्वर्ग लोक में आ गए हैं। अद्भुत नज़ारे हैं श्री महाकाल लोक के, यहाँ पर फिर से भगवान जी बैठे हैं, बाबा महाकाल। यह पावन नगरी उज्जैन, और आपको हम आज दर्शन करा रहे हैं 2 साल बाद। आज हमने जो YouTube थंबनेल पर टाइटल दिया है 2 साल बाद महाकाल लोक कैसा, 2 वर्ष पूरे हो गए हैं श्री महाकाल लोक को। आप देख सकते हैं सामने का ये चित्र कितना खूबसूरत है, मनमोहक है, और आज श्रद्धालु कम है, आज खाली है श्री महाकाल लोक जो 2 साल भी। का कैलाश पर्वत उठाना दिखाया गया है इस प्रतिमा के माध्यम से। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण लगातार चल रहा है, जो कि सुकून और आनंद देता है। श्री महाकाल लोक की आप सफाई भी देख सकते हैं, साफ सुथरा श्री महाकाल लोक। सामने भी एक प्रतिमा लगाई गई है, बाबा भोलेनाथ, बाबा महाकाल। समुद्र मंथन का यह दृश्य उन्होंने विष को अर्पण किया, आप देख सकते हैं गला उनका नीला दिखाया गया है, विष पान करते हुए भगवान भोले बाबा। समुद्र मंथन का यह दृश्य दर्शाया गया है, और अब धीरे से चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर अभी दूर है और समय भी हो रहा है, दर्शन भी करना है, क्योंकि रात में 10 बजे बाद मंदिर दर्शन बंद हो जाते हैं, सुबह सुबह फिर चालू हो जाते हैं 4 बजे। जय श्री महाकाल। वो आपको हम विशेष बात यहाँ की बता दें कि भैया बाबा महाकाल के मंदिर आप आ रहे हो, जब दर्शन करने जा रहे हो तो मोबाइल लेके बिल्कुल मत जाओ, आपका मोबाइल रख लिया जाएगा। बगल में क्लॉक रूम बने हुए हैं, आप उनमें अपना सामान, मोबाइल, पर्स रख सकते हैं। अब मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, चेकिंग में अगर आप फंस गए तो आपको बाहर रखने फ़ोन जाना पड़ेगा और आपके दर्शन उतने ही लेट होंगे। आप देख सकते हैं एक और LED स्क्रीन श्री महाकाल लोक परिसर में लगाई गई है, बाबा महाकाल के आप दर्शन यहीं से कर सकते हैं। अद्भुत दर्शन हो रहे हैं, श्रृंगार अभी चल रहा है भगवान का, और अब 7:15 बजे आरती होगी, भोग आरती होगी, और उसके बाद रात में 10:15 बजे शयन आरती का, यहाँ पर शयन आरती होने के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाएगा, और सुबह फिर 4 बजे बाबा महाकाल के दर्शन भस्मारती के साथ शुरू हो जाते हैं।
और अनवरत फुल्ले चलते रहते हैं। एक एंट्रेंस इस तरफ से भी बनाया गया है, यहाँ से शायद वीआईपी गेस्ट जो आते हैं मंदिर में उनकी एंट्री दी गई है, वो सभी गेस्ट यहाँ से आते हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क होती हैं, यहाँ के बाद वो ई रिक्शा और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खड़े हैं उनके माध्यम से मंदिर की ओर जाते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। जय श्री महाकाल। ये बना हुआ है सामने श्री भारत माता मंदिर, श्री महाकाल लोक का यह भी एक पार्ट है, आप श्री भारत माता के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और सामने हमने आपको बताया दूसरा द्वार, सामने बाबा की स्क्रीन और सामने बना हुआ है महाकाल भक्त निवास, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और गूगल पर इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। श्री महाकालेश्वर भक्त निवास है, मंदिर परिसर मंदिर समिति की ओर से यह बनाया गया है, माधव सेवा न्यास उज्जैन भारत माता मंदिर। इसमें कम दरों में अच्छे रूम उपलब्ध हो जाते हैं और बिल्कुल मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर यह स्थित है, तो आप यहां आ सकते हैं और अपनी बुकिंग इसमें पूर्व करा के इसमें रुकने का आनंद ले सकते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन यहां से बहुत आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। बैरिकेडिंग पूरी लगाई गई है, आज हमने आपको पहले ही बताया कि श्रद्धालु कम है, 2 वर्ष बाद जो हम यहाँ पर अनुभव पा रहे हैं, एक तो हरियाली बढ़ गई है, जाहिर सी बात है पेड़ बड़े हो गए हैं, लेकिन मेंटेनेंस बराबर उतना ही है, उससे कई गुना अच्छा हो गया है, सुरक्षा के इंतजाम पूरे हैं और सफाई बहुत अच्छी है और चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जूता स्टैंड बना हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं चलाई जा रही हैं, इनमें यह सुविधा विशिष्ट नागरिकों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए दी गई है कि आप इसमें बैठकर श्री महाकाल लोक के दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं आप सीनियर सिटीजन इसमें बैठ के गेट पर जा सकते हैं और यहां से ये जूता स्टैंड निःशुल्क है। सामने श्री महाकालेश्वर मंदिर की एंट्री, यहाँ से एंट्री है, यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए लॉक रूम बनाए गए हैं, क्योंकि अब मोबाइल पर्स बेल्ट ये सब अलाउ नहीं है भैया मंदिर में, मोबाइल तो बिल्कुल बंद हो गया है। अगर आप मोबाइल लेके जा रहे हैं तो आपका मोबाइल यहाँ पर रखवा लिया जाएगा, उसके बाद आप दर्शन के लिए जाएं और जब बाहर आएं जब लें। ये आप देख सकते हैं श्री महाकाल मंदिर में जब भीड़ होती है तो इस लाइनों में लाइन यहाँ से लग जाती है और इस मार्ग से आपको आधे से पौन घंटे में भीड़ के समय दर्शन हो जाते हैं और आज तो हमें लगता है जल्दी से 10-15 मिनट में ही दर्शन हो जाएंगे। तो श्री महाकालेश्वर मंदिर का यह मुख्य द्वार जो कि महाकाल लोक से बनाया गया है और श्री महाकाल लोक में तो फोटोग्राफी हमें अलाउ दिख रही है, बाकी श्री महाकालेश्वर मंदिर में नहीं है। इसका निर्माण पिछले 2 वर्षों पहले किया गया और उसके 2 वर्षों में इसका कार्य भी पूरा किया गया, यह ड्रीम प्रोजेक्ट था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, लगभग 800 करोड़ की लागत से श्री महाकाल लोक का निर्माण किया गया है। देख सकते हैं हम जैसे ही मंदिर के नज़दीक आए हैं हलचल बढ़ गई है और श्री महाकालेश्वर मंदिर जाने के लिए मुख्य द्वार अब श्री महाकाल लोक से ही है, आपको यहां से लाइन में लग के अंदर से दर्शन करने के लिए जाना है और यहां से लगभग आप 10 से 15 मिनट में दर्शन पूर्णता कर लेते हैं। प्रतिमा शिव जी की जटाओं से गंगा जी का अवतरण, आप देख सकते हैं प्रतिमा में दर्शाया गया है शिव जी की जटाओं से मां गंगा का अवतरण और सामने है श्री महाकालेश्वर लोक की एंट्री, श्री महाकाल मंदिर जाने के लिए। और हम लोग अभी सामने से आए, आप देख सकते हैं कितनी दूर आ गए हैं चल चल के, सामने मुख्य दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ पर, वो है मुख्य दरवाज़ा, वहाँ से लगभग हम 500 मीटर चल के आ गए हैं और ब्लू लाइट सब चीज़ें दिख रही हैं।
यहाँ पर तालाब बनाया गया है, सरोवर क्षीर सागर इसको नाम दिया गया है। मंदिर का मार्ग धीरे धीरे श्रद्धालु मंदिर की ओर जाते हुए, सामने श्री महाकालेश्वर मंदिर, श्री कपाल भैरव जी, श्री अशिता भैरव जी के रूप यहाँ पर दिए गए हैं, भगवान भैरव जी के रूप दर्शाए गए हैं। अद्भुत श्री महाकाल लोक। और हम लोग अब प्रथम चरण के समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वीर बजरंगबली की यह प्रतिमा, और सामने श्री महाकालेश्वर मंदिर का शंख द्वार, जहाँ से प्रोटोकॉल के माध्यम से आप अंदर जा सकते हैं। और दुर्लभ दर्शन केंद्र एक यहाँ पर ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जनरल लाइन। श्री महाकाल लोक के अंतिम चरण में हम पहुँच गए हैं, तो धीरे से उस तरफ भी चलते हैं। बाबा भोलेनाथ शेष नाग पर विराजमान, अद्भुत जगह। एग्जिट पॉइंट पर भी श्री महाकाल भगवान के मंदिर के सामने गणेश जी की यह प्रतिमा लगाई गई है, और यहाँ पर लगभग प्रथम चरण समाप्ति की ओर है। देखिए आप ये लाइन, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रवेश मार्ग है। हमने आपको बताया था मंदिर में मोबाइल बैग ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये महाकाल मंदिर का प्रवेश मार्ग, और यहाँ पर ये अद्भुत हम समाप्ति की ओर आ गए हैं। अब श्री महाकाल लोक के प्रथम चरण की बाबा भोलेनाथ का एक और अद्भुत दृश्य। भगवान शिव जी के रूप, तीनों रूप दिखाए गए हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर करें। शक्ति स्वरूपा कमलाशन श्री महालक्ष्मी जी की यह प्रतिमा, भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद जी की यह प्रतिमा सुदर्शन चक्र धारण किए हुए है श्री महाकाल लोक में। और हम लगभग अब समाप्ति की ओर आ गए हैं श्री महाकाल लोक की। यहाँ पर फोटोग्राफी करना अलाउ लगता है। और यहाँ पर निर्गम द्वार, एग्जिट द्वार श्री महाकाल मंदिर का, दूर दूर से भक्तगण आते हैं। हमारा भैया बाहर आ गए हैं। एग्जिट दरवाजा है श्री महाकालेश्वर मंदिर का, और यहाँ पर श्री महाकाल लोक का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। यहाँ पर समाप्ति हो गई है। अब हम आ गए हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य चालू है, बहुत अद्भुत मंदिर बनता जा रहा है। यहाँ पर भी एक जूता स्टैंड, क्योंकि इस तरफ से भी एंट्री है श्री महाकाल लोक की मंदिर जाने की। और आप देख सकते हैं सामने राजाधिराज भोलेनाथ महाकाल का यह मंदिर, अद्भुत नज़ारा रात्रिकालीन का। सामने श्री महाकालेश्वर मंदिर। भैया यहाँ पर इस शिखर दर्शन के लिए बनाया गया है, और निःशुल्क जूता स्टैंड मंदिर समिति के द्वारा यह संचालन किया जा रहा है।
निःशुल्क मोबाइल स्टैंड भी है, समाप्त हो जाता है। और श्री महाकालेश्वर मंदिर के हम आपको शिखर दर्शन कराने ले चल रहे हैं, उसके बाद चलेंगे अंदर और बाबा श्री महाकाल के आपको दर्शन कराएंगे वीडियो के माध्यम से। इस शिखर दर्शन भगवान महाकाल बाबा भोलेनाथ राजाधिराज बाबा महाकाल के शिखर दर्शन आप करिए। फाइनली श्री महाकाल लोक पूरा हमने आपको घुमा दिया है, पीछे हमारे है श्री महाकालेश्वर मंदिर। और जय श्री महाकाल बोलिए, कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल लिखिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमने आपको पूरा कोशिश की है, श्री महाकाल लोक 2 वर्ष बाद कैसा लग रहा है, आप लोग भी आ रहे हैं तो श्री महाकाल लोक जरूर घूमें। और पीछे है श्री महाकालेश्वर मंदिर, तो जय श्री महाकाल मित्रों। और जो भी कमियां रह गई हैं अगले वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे हम। और अब चलते हैं अंदर तो आपको बाबा महाकाल के दर्शन भी कराते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। अब कीजिए आप लोग लाइव दर्शन श्री महाकालेश्वर मंदिर से। और इस समय आरती चल रही है संध्याकालीन, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आरती का आनंद लें, बिल्कुल आपको लाइव दर्शन हो रहे हैं भगवान भोलेनाथ के। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ओम नमः शिवाय का जाप आप लोग करते रहें। जय श्री महाकाल। जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।